एक छोटा केंट। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आ गया आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त केंट दी एलिफेंट। मैं मम्मा पापा के साथ पिकनिक पर आया हूँ। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, वो भी मेरी तरह क्यूट हैं। पर यहाँ एक गड़बड़ भी है। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। पर है ये मुसीबत बड़ी अतरंग, ये बच्चे नहीं है मम्मी के संग। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर हैन यानी मुर्गी है, गोट यानी बकरी है, काऊ यानी गाय भी है, घोड़ा यानी हॉर्स है और डक यानी बतख भी है। ये सब तो ठीक है, पर गड़बड़ कहाँ है? अरे हाँ, ये सारे बेबीज अपनी मम्मा के साथ नहीं है। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो इन्हें अपनी मम्मी से मिलवाते हैं। चलो शुरू करें। यहाँ है बच्चे और ये है हैन यानी मुर्गी। क्या मुर्गी के बेबी को फॉल कहते हैं? अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये नहीं हो सकता। तो फिर शायद डकलिंग होगी। नहीं, ये भी नहीं है, ये तो मैच कर ही नहीं रही। तो फिर केन का बेबी ये किड होगा? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये तो इनसे बहुत बड़ा है। चलो इसे वापस डाल देते हैं। काफ, अरे नहीं, ये भी इनसे बहुत बड़ी है, ये भी इनकी बेबी नहीं हो सकती। अब सिर्फ बची है ये चिक। अरे हाँ, हैन और चिकन। क्लक क्लक, ट्वीट ट्वीट, इन्हें अपनी बेबी मिल गई और ये लोग कितने खुश हैं। चलो अब देखते हैं कि हॉर्स यानी घोड़े का बेबी कौन हो सकता है? क्या किड है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर शायद ये चिकन होगा। नहीं, ये तो बहुत ही छोटू है मेरी तरह। अब कौन सा वाला ट्राई करें? अरे हाँ, फूल। अरे हाँ, हॉर्स के बेबी को तो फूल कहते हैं। हॉर्स और फूल, ये। तो बताओ, काऊ यानी गाय के बेबी को क्या कहते हैं? एक फूल तो नहीं कहते, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि एक घोड़े के बेबी को कहते हैं, तो फूल तो नहीं हो सकता। क्या ये किड हो सकता है? इनकी आवाज तो मिल ही नहीं रही। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, रंग भी अलग है। क्या डकलिंग हो सकती है? ये भी नहीं हो सकती, ये तो बहुत छोटी है। मुझे लगता है इनका बेबी होगा काफ। ये काऊ की बेबी को काफ कहते हैं। काऊ और काफ, अब बताओ कि गोट यानी बकरियों के बेबी को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं? नहीं नहीं, तो शायद किड होगा। हाँ, सही पहचाना, गोट के बेबी को किड कहते हैं। जैसे हम इंसानों के बेबीज को भी किड कहते हैं, वैसे ही। चलो चलो, आप बताओ कि डक यानी बतख के बेबी को क्या कहते हैं? काफ तो नहीं हो सकता। अरे, ये तो काऊ का बेबी होता है ना, अभी तो पता लगाया था। तो क्या चिकन हो सकता है? नहीं, इसकी मम्मी तो हैन होती है ना। हाँ, इसे भी वापस रख देते हैं। हाँ, डकलिंग। डक की बेबी को डकलिंग कहते हैं। कितने खुश है दोनों। क्वैक क्वैक। अब मैं भी अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ। और पता है एलिफेंट के बेबी को क्या कहते हैं? हाँ, काफ कहते हैं, मैं काफ हूँ। आज हमने सारे मम्मी एनिमल्स और उनके बेबीज के नाम सीखे हैं। तुम लोग घर पे इसे रिवाइज करना। अगली बार फिर मिलूंगा, बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट।